Now we are going to discuss section 51 of the CRPC, that is about search of arrested person. गिरफ्तार किए व्यक्ति की तलाश, जामा तलाशी का नाम भी आपने सुना होगा, तो सेक्शन 51 जामा तलाशी के बारे में ही है. सब सेक्शन 1 सेज व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट, जब एक वारंट के अंडर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, मीनिंग देयर बाय द ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल अंडर अ वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, doesn't provide for taking of bail. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जहां एक वारंट के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है और वहां बेल जो है वो नहीं ली जा सकती, does not provide, वो वारंट प्रोवाइड नहीं करता है, इस तरह का प्रावधान नहीं है उस वारंट में कि जिसमें बेल ली जा सके, जमानत ली जा सके. तो मीनिंग देयर बाय That, इसका क्या मीनिंग हुआ? नॉट फॉर टेकिंग ऑफ अ बेल. इसका मीनिंग जो वारंट है दैट इज NBW, इसका मतलब क्या है? नॉन बेलेबल वारंट, वो वारंट जो है वो नॉन बेलेबल वारंट है. अंडर अ वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, मीनिंग देयर बाय यहां जो बात हो रही है वो NBW की बात हो रही है, नॉन बेलेबल वारंट की बात हो रही है. But the person arrested bail or under a warrant which provide for the taking of bail, या ये not provide for taking of bail meaning NBW, non bailable warrant, या कोई पुलिस ऑफिसर वारंट के अंडर तो अरेस्ट करता है लेकिन उस वारंट में प्रोवाइड किया गया है, प्रोविजन है that for taking of a bail, meaning thereby that is BW, bailable warrant. So two kinds of warrants are there, non-bailable warrant and bailable warrant. पहले में non-bailable warrant है, दूसरे में bailable warrant है, लेकिन provide for the taking of bail, but the person arrested cannot furnish bail. लेकिन जो व्यक्ति bailable warrant के under arrest किया गया है, bail तो ली जा सकती है लेकिन वो बेल फर्निश नहीं कर सकता, दे नहीं सकता. उस केस में, पहले केस में बेल नहीं ली जा सकती, दूसरे में खुद गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति बेल नहीं दे सकता. एंड व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, जब किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट, ये अंडर वारंट था, अब विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है, और या बाई अ प्राइवेट पर्सन अंडर वारंट, या कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है अंडर अ वारंट उस केस में, एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल, यहां था लीगली बी एडमिटेड टू बेल, मीनिंग देयर बाय ये लीगली एडमिटेड टू बेल का मीनिंग क्या है कि जो ऑफेंस की जो नेचर है दैट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस. लीगली का मीनिंग जहां ऑफेंस की जो काइंड है वही नॉन बेलेबल है, उसमें हो ही नहीं, बेल नहीं ले सकता है, और इज अनेबल टू फर्निश द बेल, या वो बेल हो नहीं सकती, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या वो बेल फर्निश नहीं कर सकता. उस केस में क्या होगा? द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, जो ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है, When the arrest is made or when the arrest is made by a private person, जब खुद officer arrest कर रहा है या कोई private आदमी है, the police officer to whom he makes over the person arrested, और private person के case में क्या है कि जब वो किसी police officer को hand over करता है, makes over करता है, तो वो police officer may search the person arrested and place in safe custody all articles other than necessary wearing found upon him, कि जो भी सामान उसे प्राप्त होता है वो तलाशी के दौरान, सर्च के दौरान, वो उसे सेफ कस्टडी में रखेगा, सिर्फ जो जरूरियात के सामान है, जो पहनने के वस्त्र है, उनको छोड़कर. एंड वेर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, और जहां कहीं सीज किया जाता है, कोई सामान लिया जाता है अरेस्टेड पर्सन से, अ रिसिप्ट
एक रसीद शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन, एक रसीद बनाकर दी जाएगी कि हमने अरेस्टेड पर्सन से ही ये सामान जब्त किया है, सीज किया है, और ये किसको दी जाएगी, शैल बी गिवन टू सच पर्सन, सच पर्सन मीनिंग द पर्सन अरेस्टेड। सबसेक्शन टू, व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू कॉज ए फीमेल टू बी सर्च्ड, जहां किसी महिला को सर्च करवाना है, महिला की तलाशी करवानी है, उस केस में द सर्च शैल बी मेड बाई अनदर फीमेल, किसी दूसरी महिला के द्वारा ही तलाशी की जाएगी विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब क्या है कि नैतिकता के सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तलाशी ली जाएगी। नाउ इन सम एडवांस डिस्कशन, ये बात है कि जिस व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, अरेस्टेड पर्सन की, उसका एक राइट है, वो एंटाइटल है कि खुद की सर्च से पहले वो उस पुलिस ऑफिसर की तलाशी भी ले जो उसको बाद में तलाश करेगा। मीनिंग देर बाय एक पुलिस ऑफिसर है, मैं अरेस्टेड पर्सन हूँ, वो मेरी तलाशी लेना चाहता है, सर्च करना चाहता है, तो मेरा, मैं एंटाइटल हूँ, ये मेरा राइट है कि उससे पहले कि वो मेरी सर्च करे मैं उसकी तलाशी लूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि बहुत सा सामान वो अपने पास से ही मेरे लिए इम्प्लीकेट कर दें कि साहब ये आम संयोग इसी से मिले हैं, पता लगे कि वो पहले से ही ऑलरेडी अपने पास रखे हुए थे। तो इसलिए मैं टाइटल हूं कि मैं अपनी तलाशी से पहले पुलिस ऑफिसर को भी तलाश करूं कि उसके पास तो कोई सामान है या नहीं है। देखिए, अगर मैं इस सेक्शन के ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करूं, तो इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है कि दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू एनडीपीएस। एनडीपीएस के ऊपर सेक्शन 51 अप्लाई क्यों नहीं होता है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां सर्च और सीजर से रिलेटेड प्रोविजन इटसेल्फ एनडीपीएस में मेंशन्ड है, वहां दिए गए हैं, तो इसलिए सेक्शन 51 शैल नॉट अप्लीकेबल टू एनडीपीएस, ये इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ओवरराइड। If I have to talk about the witnesses, कि जब सर्च होगी तो वहां विटनेस बनाने होंगे या नहीं बनाने होंगे, तो under section 51 that is not necessary कि यहां विटनेस ही चाहिए, लेकिन अगर सर्च under section 100 CRPC है तो वहां विटनेसेज की आवश्यकता होगी, गवाह चाहिए। If I am to relate section 51 with the constitution, और constitution में भी कहां, article 23 of the constitution, कि 23 को contravene करता है या नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसा नहीं है, section 51 of the CRPC does not contravene article 23 of the constitutional law of India. Now, one more thing, कि section 51 should be read with section 102 and 457 of the CRPC, हमने ये लिख भी दिया है कि आप 102 और 457 जो धाराएं हैं CRPC की, उनके साथ जोड़ करके इस section को पढ़ें। In this way, we have discussed section 51 of the CRPC. Well, enjoy the lecture. Thank you.